जड़ भरत जी हंस गए। राजन बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, पर मुझे लगता है अकोविदह कोविद वेद बादान बदस्यतो नाथ विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन शहामनंति। तुम अज्ञानियों जैसी बात करते हो, विकारयुक्त अग्नि, विकारयुक्त बर्तन, विकारयुक्त दूध, विकारयुक्त चावल की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो? ये सारी चीजें तो विकारयुक्त हैं, उनकी तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से नहीं कर सकते। ये विकार, ये परिवर्तन सब शरीर तक सीमित हैं, आत्मा से तो इनका मतलब ही नहीं है। आज एक बात बताओ, एक संत जी थे, जैसे बहुत बड़ा आश्रम था और उसके महंत जी बड़े विद्वान थे, बहुत शिक्षित थे, हाँ हजारों संत वहां रहते, सत्संग चलता, कथा चलती, प्रवचन होते, कीर्तन होता, भगवत पूजा होती, आतिथ्य भी सबका होता। अब क्या हुआ कि उन संतों में से एक संत की मृत्यु हो गई, मर गए बेचारे। अब वो संत जब पधार गए महाराज, तो उनका शव पड़ा हुआ है सामने और सब लोग रो रहे हैं, हाय रे ये तो मर गए, हाय रे ये तो मर गए, ऐसे रो रहे हैं सब। लेकिन महंत जी तो हंस रहे थे। लोग बोले, आपको जरा भी करुणा नहीं है, आपको जरा भी दया नहीं है, ये बेचारे महात्मा जी पधार गए और आप हंसते हैं। महंत जी बोले, तो ये बताओ ये जीवित कब थे? बोले, 5 मिनट पहले ये जीवित थे साहब, अभी मर गए। अच्छा, तो मरने वाले को तुमने देखा है, बताओ वो कैसा था? गोरा गोरा था, 3.5 हाथ का था, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, बहुत अच्छी जटाएं थी, गौर वर्ण था। बोले, वो सामने पड़ा, फिर रोते क्यों? अजी, हम उसके लिए रो रहे हैं जो इसमें से निकल के चला गया। बोले, वही तो मैं पूछ रहा हूं, वो कैसा था तुमको मालूम है? गोरा गोरा था, 3.5 हाथ का था, लंबी दाढ़ी थी। अरे, वो गोरा भी, 3.5 हाथ का भी और लंबी दाढ़ी भी, सब तुम्हारे सामने पड़ा, फिर रोते क्यों? अजी, हम उसके लिए रो रहे हैं जो निकल गया। बोले, निकलने वाले को मैं पूछ रहा हूं, वो कैसा था तुमने देखा है? 1000 उदाहरण भी देखकर तुम नहीं बता सकते वो कैसा था। जैसे चूल्हे पर बर्तन में पानी हम भर देते हैं और पानी गर्म हो जाता है तो प्रसन्नता होती है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद जब लकड़ी अग्नि आपने नीचे से निकाल दी तो पानी वापस ठंडा हो जाता है। अब हम रोने लगे, पानी तो ठंडा हो गया, पानी तो ठंडा हो गया, तो ये तो नासमझी है ना। पानी पहले ठंडा था, अभी भी ठंडा है, गर्म तो केवल उतनी देर को है जब तक इसके नीचे अग्नि जल रही थी। तो शरीर का जो नाम है शास्त्रों में, शरीर का नाम है मरण धर्मा। राजन, सिवाय मरने के शरीर दूसरा कोई काम करता ही नहीं। हां, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, योगेश्वर गीता में कहते हैं। जिस दिन से अपन जन्म लेते हैं, मरना उसी दिन से प्रारंभ होता है। और आगे वसुदेव जी महाराज वर्णन करेंगे, कल के प्रसंग में आएगा। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते अद्यवाप्य सतांतेरवा मृत्युर्वही प्राणी नाम ध्रुव। ये मौत हमारे शरीर के साथ जन्म लेती है, पर ये सारी प्रक्रियाएं शरीर की हैं, मेरी नहीं है, मैं तो ये हुई नहीं। भगवान गीता में कहते हैं ना, बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृहणाति नरो पराणि। देखो, एक बड़ी अच्छी कथा बताएं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और ये चारों ही भाई देखने में लगते हैं केवल 5 वर्ष के, उम्र है 50,000 वर्ष की। हां, भागवत में लिखा है पूर्वे साम अपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बाबाओं के भी पर बाबा हैं, पर देखने में 5 से 5.25 के कभी होते ही नहीं। हुआ क्या, जब इसका जन्म हुआ था, चारों का ब्रह्मा बोले बड़े हो जाओ, हाँ, और जल्दी बड़े होकर के तुम लोग अब शादीवादी करो, सृष्टि के सृजन में सहयोगी बनो। बोले, हम नहीं होते, हमको नहीं करनी शादी,
ब्राह्मण का लेखन ये तो संसार का नियम है बेटा, जो बड़े होते हैं जो लंबे होते हैं उनको विवाह तो करना पड़ता है ना। चारों बोले पिताश्री बड़े होने के बाद में विवाह करना जरूरी है। बोले हाँ, तो हम आपसे नियम लगाते हैं कि पांच से सवा पांच के कभी होंगे ही नहीं, बस स्टॉप लगा दिया, न पांच के ऊपर जाएंगे, और हरिशरणम 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 यही मंत्र जपते रहते हैं, काल का असर ही नहीं होता उन पर। हाँ, अब चारों जा रहे थे, सामने से आ रही थी माता जी और बाबा, माता पार्वती और भगवान शंकर। हाँ, अब इन चारों ने शिव जी को देख करके भी प्रणाम नहीं किया, ऐसा आता है। भोलेनाथ तो बहुत कृपालु हैं, प्रणाम करो तो बढ़िया, नहीं करो तो डबल बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है। असल में दुनिया बड़ी विचित्र है, संसार के लोग तो बिना कुछ कहे मानेंगे नहीं, यदि आप थोड़ा ऐसे करके चलोगे ना, ऐसे लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी हो गया, चार पैसे क्या कमा लिए, झुकता ही नहीं है। लोग ऐसे चलोगे तो बोलेंगे नीचे देखते ही नहीं, बड़ा अभिमानी हो गया है। और आप ज्यादा झुक करके चलोगे तो भी लोग कहेंगे बिले ये दंडवत करता है, कर्म ही अच्छा नहीं है, ऊपर देख ही नहीं सकता। कर्म अच्छा हो तब ना ऊपर देखे, कर लो बात, ऊपर देखो तो अभिमानी हो गया, नीचे देखो तो कर्म अच्छा नहीं है, और अगल बगल में देखते चलो तो भी बोलते हैं, आंखों का ठिकाना ही नहीं है, घूमती रहती है, तो क्या मर जाए, कहां जाए। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हैं, दिखावे में कदाचित नहीं भी कर पाते। माता पार्वती ने कहा बड़े उद्दंड बच्चे लगते हैं, है? जगत पिता भगवान परमेश्वर शिव जी जा रहे हैं और प्रणाम भी नहीं करते, ऊंट की तरह ऊपर करके मुंह करके निकल गए, बड़े उद्दंड लगते हैं मुझे, हैं? शाप देती हूं चारों ऊंट ही हो जाए। लो जी वो तो ऊंट बन गए, माता जी ने कह दिया देरी थोड़ी लगेगी। अब भगवान शंकर जब आश्रम पे चले गए तो पार्वती मां से बोले देवी आप देखो बुरा मत मानना, कभी कभी आप बिना सोचे कुछ कर देती हैं। अरे जिनको आपने श्राप दिया है ऊंट बनने का जानती हो वे कौन है? ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उम्र में हमसे भी बड़े हैं। हाँ, पार्वती जी बोली हमको क्यों मालूम था कि जेठ जी लगते हैं, मैंने तो सोचा बच्चे हैं सो मेरे से मुंह से निकल गया, चलो माफी मांगे आते। शिव जी बोले ये तो करना ही है, चलिए। अम्मा तो बड़ी करुणामयी है, उनको भी लगा मैंने क्या बोल दिया। अब यहां पर जैसी आए देखें तो चारों भाई ऊंट बन के बैठे। हाँ, भागवत में लिखा है कथा मात्रैक जीविनः, इनका विशेषण है, इन चारों भाइयों का जीवन है कथा। एक भाई कथा सुनाते हैं, तीन बैठ के सुनते हैं, फिर तीन में से एक सुनाते हैं, फिर तीन बैठ के सुनते हैं। अब ऊंट बन गए तो नीम के पत्ते खाते जा रहे हैं, भागवत कथा हो रही है। भगवान शंकर ने कहा देख लो ऊंट बन गए पर कथा नहीं छूटी, कथा चल रही है। शिव जी ने सोचा अब माफी तो मांगे ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाबा थोड़े मुस्कुराकर बोले क्यों जी क्या हालचाल है। चारों भाई बोले शंकर जी मत पूछो महाराज, बहुत आनंद है, ये ऊंट के शरीर में तो बहुत मजे हैं। शिव जी बोले नहीं नहीं ऊंट का शरीर आपको मिल गया। पार्वती जी ने कह दिया मुझे बड़ा दुख है, ऊंट के शरीर में आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। चारों बोले नहीं नहीं इसमें बहुत आनंद है। बोले कैसे? बोले देखो मनुष्य के शरीर में नहाने का चक्कर और था, यहां बिना नहाई भी कथा हो जाती है, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती इधर। हाँ, कोटी तो पहनना है, कभी ऊनी कोट तो कभी सूती कोट। अरे भाई मनुष्य का जो शरीर है वो महंगे वाला कोट है और पशु का जो शरीर है वो खादी वाला कुर्ता है, क्या फर्क पड़ता है। बासंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि। हाँ, आत्मा तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन आया क्या? अपन कपड़े चेंज करते रहते हैं। और शिवजी के देखते देखते चारों भाई सनत कुमार के रूप में प्रकट हो गए, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, और अवतार भी ऐसे वैसे नहीं, नंबर एक पहले वाले अवतार हैं, 24 अवतारों में प्रथम अवतार।
आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाए, आत्मानुभूति जिसे हो जाए, फिर भटकाव खत्म हो जाता है, फिर तो वो जीवित ही मुक्त है। रघुगण ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मुझे आत्मबोध कैसे हो? आप बोलेंगे तो घर छोड़कर अभी बन चला जाऊंगा, आप बोलेंगे तो मैं सर्वस्व त्याग सकता हूं, लेकिन मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए, कितने दिन से सत्संग कर रहा हूं। बोले रघुगण तत्पसार जाती नचे जया निर्वपणा गृहात बा न छंदसा नई बजलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजो अभिषेकम। घर छोड़कर वन में जाने से आत्मज्ञान होता तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। तपस्या से आत्मज्ञान यदि होता तो कितनों ने तपस्या करी, अहंकार के अलावा क्या मिला? इसलिए मुझे लगता है न घर छोड़कर वन में जाने से आत्मज्ञान हो सकता, न कंठ पर ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या से आत्मज्ञान हो सकता। बिना महत पादर जो अभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूल जब तक माथे से न लगाओगे, उनकी सन्निधि में बैठकर आत्मचिंतन की प्रक्रिया को न जानोगे, आत्मबोध होगा कैसे? और मैं तुम्हें किसी और की उदाहरण कथा नहीं सुनाता राजन। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगात हतार्थ। जड़वर जी कहते हैं मैं पहले भरत नाम का राजा था, पिता श्री का मैंने सत्संग किया, मन में बड़ा वैराग्य आया, घर छोड़ के वन में चला गया और मृगो भवम वहां जाकर के मुझे मृग ही बनना पड़ा। देख लो मृग की याद करते करते गया और आज मैं जड़भरत बन गया। पर सामाम स्मृति मृग देखे पी राजन कृष्णार्चन प्रभवानो जहाती। मेरी स्मृति उस समय भी नष्ट नहीं हुई और अद्यापि नो जहाती, आज भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए संतों की शरण ग्रहण करो, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके चिंतन की प्रक्रिया को जानो। प्रक्रिया वो बताएंगे, चलना तो स्वयं पड़ेगा। साधना बता कोई भी दे, पर साधना के पथ पर चलना तो साधक को ही पड़ता है। और गुरु के शरणों में जाने के बाद बिगड़ता कुछ भी नहीं, बनता ही बनता है। कुछ न बिगड़े गा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़े ध्यान से सुनना। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में अड़चने आती हैं और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा विरोधी उनके अपने लोग हो जाते हैं। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं। प्रेम की मंजिल के राही
जीवन की परिस्थितियों में घबराना नहीं, कनेक्शन उससे जोड़ करके रखना है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यसि उदेश्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे आहंत हंत नलिनिं गजयुज्जहार। सुंदर बात, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, रात भर करें क्या, ऐसा सरल और सुगम उपाय हो शायद उसको सुमार्ग मिल जाए। पंक्ति अंतिम की बड़ी सुंदर, फिर खिलेगी ऋतु बदल
जाने के बाद सूखी बगिया फिर खिलेंगे ऋतु बदल जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद कुछ ना प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले घन श्याम का सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर पर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद प्रेम के पथ पर चलने वालों के सर्वाधिक विरोधी उनके सबसे निकटस्थ लोग ही होते हैं। जिसने भी इस प्रेम के मार्ग को चुना है उसके निकटतम संबंधी ही उसके विरोधी हुए हैं। प्रहलाद ने यह मार्ग चुना, खास पिता ने विरोध किया। ध्रुव ने यह मार्ग चुना, विमाता ने विरोध किया। विभीषण ने मार्ग चुना, खास भाई ने विरोध किया। मीरा ने यह मार्ग चुना, खास पति ने और जेठ ने विरोध किया। तुकाराम ने यह मार्ग चुना, खास पत्नी ने विरोध किया। कितने उदाहरण थे। लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। जीवन की परिस्थितियों के प्रति सजग तो रहना है पर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उन परिस्थितियों के जन्मदाता हैं हम, उनके निर्माता हैं हम, उनके चाकर नहीं हैं हम। और जिस परिस्थिति का निर्माण हमने किया है तो पड़ोसी नहीं भोगेगा, हमको ही भोगना होगा। तो शारीरिक परिस्थितियों के प्रति सजगता रखते हुए आत्मचिंतन करो। मैं नित्य मुक्त शुद्ध शाश्वत आत्मा हूं। बंबई में कथा कर रहा था मैं, किसी संत के द्वारा आयोजित थी कथा, तो बहुत संत लोग पधारे थे वहां, बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब विराजते थे। कथा के बाद में एक संत आशीर्वाद दो मिनट के लिए देने लगे, तो उन्होंने बड़ी मीठी बात कही और मुझे बहुत भाई। उन संत ने एक गीत गाया और उस गीत की एक पंक्ति थी, पहली पंक्ति, कि हम न मरे हैं मरे है संसारा, हम न मरे हैं मरे है संसारा। हम माने आत्मा, संसार माने शरीर। शरीर ही मरता है, हम तो नित्य शाश्वत हैं। ये चिंतन कर, चिंता को मिटाना है, चिंतन को बढ़ाना है। मार्ग सुपथ सहज हो जाएगा, ये करके तो देखो। जड़भर जी महाराज ने भवाटवी का वर्णन किया, भव माने संसार, अटवी माने जंगल। भवाटवी का स्पष्टीकरण किया। हमारे ब्रज में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए, ऐसे ऐसे कवि हुए हैं मेरे ब्रज में, देखने में लगे तो कुछ नहीं और कविता तो संग की संग बना के गाएं। आपने रसिया दंगल देखे, हमारे ब्रज के गांव में होते हैं। मेरा जहां जन्म हुआ माट की बगल में गांव में छोटा सा, वहां बड़े बड़े रसिया दंगल होते हैं, हाँ, दूर दूर से। और ऐसे ऐसे लोग जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता, संग की संग कविता बनाते हैं और गाते हैं।
ऐसी ऐसी प्रतिभाएं ब्रज में छुपी हैं। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे कवि हुए मेघश्याम शर्मा, उनका एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोई न करना बसेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। यह पन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पावे ये पापों का पानी, नादान केवट संभल के चलो मीत माया भमरने तू घेरा। पूरा शंकराचार्य का सिद्धांत भर दिया। मन का रतन रख जतन से अनारी, यहां आगे चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी थकेरे गुमानी यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ाओ हो न जाए अंधेरा। सबसे बहुमूल्य चीज है हमारे पास में मन, इस मन के रत्न को यत्न से संभाल के रखो, क्योंकि ज्ञानी थकेरे गुमानी यहां। विश्वामित्र ने हजारों बरस तप किया, मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए किराए पर पानी फेर के चली गई, पल में लुट जाए लाखों का डेरा। समझ रुख हवारंग लगी है दिखाने, इसका मरम जान रे रे दीवाने, देश वीराना है भोले पथिक ले समझ मित्र है कौन तेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपत की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें, लखो श्याम पुतली में उसकी झलक मित्र हो जाए पल में सवेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पूरा सिद्धांत पक्ष रख दिया, देश वीराना है, हमारा अपना देश तो गोलोक धाम है, हाँ भेज दिया प्रभु ने मृत्युलोक में, बस मृत्युलोक में ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया है, ब्रजमंडल में जिन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि ब्रजमंडल तो गोलोक धाम से ही आया है, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ लिखा है भगवान ने जब राधा रानी से कहा ना चलिए मृत्युलोक में चलें लीला करने, तो किशोरी जी ने साफ इनकार कर दिया, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मन, मैं नहीं जाती। इसलिए यमुना जी को, गोवर्धन को, वृंदावन को गोविंद ने अपने आने से पहले गोलोक धाम से यहां भेजा। हां ये गोलोक धाम से पधारे, जहां मैंने जन्म लिया भंडीर भट्ट एक जगह है मठ की बगल में, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं प्रभु ने महारास वहीं किया था, गर्ग संहिता में और ब्रह्मयु व्रत पुराण में भांडीर भट्ट को ही रासस्थली कहा है। वहां एक संत रहते थे, मैं कभी कभी जाता है, 15 मिनट में पहुंच जाते हैं यहां से, 15 मिनट लगते हैं, तो मैं वहां गया तो मैंने एक संत को देखा, बंगाली शरीर था एक, अब नहीं है वो संत, पधार गए, वो वहां रहते थे महाराज। हे भगवान ऐसा विचित्र संत, एक थैला लटका हुआ देखा मैंने उनकी कुटिया में, मैं बहुत देर बैठ जाता उनके पास, बड़ी चर्चा करते हैं,